दोस्तों आज मैंने रेसिपीज को शेयर की है जो एकदम फटाफट बनने वाली और एकदम हेल्दी बैलेंस्ड डाइट है। तो आप ये रेसिपीज ज़रूर ट्राई करना। एकदम सॉफ्ट ये पराठा है, 2-3 दिन भी ये पराठा ऐसा ही रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेना। तो यहाँ मैंने लिया है दाल जो है तूर की दाल, और साथ ही मैंने लिए है चावल दूसरे कटोरे में। तो अब ये दो है हम धो लेंगे, दाल और राइस, और इसे मैं दूसरे कुकर में लगाऊंगी और दाल इस कुकर में लगा लेंगे। तो ये दोनों अच्छे से धुल चुका है। चावल में थोड़ा सा नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप नहीं नमक डालते हो तो स्किप कर देना। दाल में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर उसका भी विसल लगा लेंगे। तो हमारी जो चावल है कुकर में पक रही है, दाल है इस कुकर में पक रही है। तो अब हम लगा लेंगे हमारा आटा। तो आटा लगाने में मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, साथ ही थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। इससे क्या है, टेस्ट और कलर हमारे पराठे का बहुत अच्छा सा आएगा। एकदम सॉफ्ट ही पराठा है, आप देख सकते हो मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में, एकदम सुपर सॉफ्ट है। आप इसे 2-3 दिन भी रख के खा सकते हो। तो ये आटा अच्छे से लग चुका है, इसे रख लेंगे हम साइड में। और अब हम हमारी सब्जियाँ कट करेंगे। सब्जियों में मैंने लिया है कैप्सिकम जो है शिमला मिर्च हरी वाली, इसे मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके तड़के के लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई। सबसे पहले हम शिमला मिर्च को भून लेंगे। तो थोड़ा सा 2 छोटे चम्मच तेल डालने हैं, इसमें डालनी है शिमला मिर्च, और इसे हम ऐसे ही भून लेंगे सूखा। अच्छे से सॉफ्ट होने तक, गोल्डन कलर आने तक भूनना है। 2-3 मिनट हार्डली इसमें लगेंगे। शिमला मिर्च एकदम सॉफ्ट होती है, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ साइड में। ये सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, एकदम झटपट बनकर ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो रोज़ के खाने में, आप टिफ़िन में देने के लिए ऐसी सब्ज़ी आप बना सकते हो। तो ये सारी शिमला मिर्च मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल जो है तड़के के लिए डाला हुआ तेल। तो इसी कढ़ाई में मैं दे रही हूँ सब्ज़ी का तड़का। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1/2 छोटा चम्मच के करीब। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज जो है मैंने एकदम बारीक सा चॉप कर लिया। एक प्याज लिया है मैंने जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे, प्याज गोल्डन कलर होने तक इसे भून लेना है। फिर अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच, नॉर्मल हम खाना खाते हैं उस स्पून से मैंने ली है 2 चम्मच बेसन। बेसन जो है इसमें बहुत अच्छा सा बाइंडिंग का काम करता है, और हमारी जो सब्ज़ी है उसको एकदम थिक और बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो इसे कम फ्लेम पे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे, तो जो इसका कच्चापन है वो सारा चला जाएगा। और प्याज के साथ में एकदम अच्छे से ऑयल में इसे भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बेसन कैसे फूकना स्टार्ट हुआ जैसे हम उसे भून रहे हैं, और बाद में ये जैसे ही भूनने लगेगा ये हो जाएगा सेटल। तो इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाला है मैंने इसमें, साथ ही आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेना। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक लिया है। 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे हमने जो भुनी हुई शिमला मिर्च थी वो। तो बिना टमाटर का यूज़ किए हम ये सब्ज़ी बना सकते हैं। तो इसके अंदर टमाटर को सब्स्टिट्यूट देने के लिए मैं ले रही हूँ दही। 2-3 टेबलस्पून दही यूज़ करेंगे। तो दही डालने से पहले हम शिमला मिर्च और मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2-3 टेबलस्पून अच्छे से मैश फेटा हुआ दही। इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है जब तक कि दही अच्छे से सब्ज़ी के साथ मिक्स हो जाए। इससे क्या है, हमारा दही फटेगा नहीं। तो दही और बेसन एकदम अच्छे से बाइंड करेगा सब्ज़ी को। बेसन है, दही है, एक अच्छे से बेसन पक रहा है दही के साथ में। तो इसे ढककर हम पका लेंगे, इससे मॉइस्चर मिलेगा दही से और बेसन को एकदम अच्छे से पकने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो हम इसे साइड में रख लेंगे, और लेंगे अब हम हमारे दाल का तड़का। तो दाल के तड़के के लिए मैंने लिया है कढ़ाई जिसमें डाला है तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों दाना, साथ ही थोड़ा सा जीरे डालेंगे हम। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पर 2 हरी मिर्च थी जिसे मैंने बीच में से काट लिया था लंबा लंबा सा, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है दाल में। एकदम सिंपल सी ये दाल है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पड़ेगी। हल्दी पाउडर डाला है मैंने, साथ ही अब इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया। तो धनिया और हरी मिर्च की ये जो दाल है एकदम फटाफट तो बनती है, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। तो यहाँ पर पकी हुई दाल मैंने डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, और जितना पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से पानी डाल देंगे हम। टेस्ट के हिसाब से लेना है नमक। तो यहाँ पर 1 छोटा सा चम्मच मैंने नमक लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाने की ज़रूरत है, बस 2 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। एकदम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो फटाफट ये दाल पककर रेडी हो जाएगी। तो हमारी जो सब्ज़ी है इसे हमने भाप पे पकाने के लिए रखा था, ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से पक रही है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा इसका कलर दिख रहा है, और ये सब्ज़ी बनकर रेडी है। हमारी दाल भी साइड में अच्छे से बॉईल हो रही है। तो एकदम फटाफट ये जो खाना है बनकर रेडी हो जाएगा। अगर इस तरह से बनाओगे जैसे दाल राइस मैंने पहले पका ली थी,
उस दौरान फिर मैंने आटा लगा लिया था, सब्ज़ी काट ली थी और साथ ही सब्ज़ी का तड़का रखकर फिर दाल का तड़का रख लिया था। तो एकदम कम से कम टाइम में हमारा ये खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये जो दाल है ये बनकर रेडी है, इसे भी कर लेंगे बंद, रख लेंगे साइड में। अब हमारी रोटियाँ बनाने के लिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जिस तरह से रोटी बनाई जाती है उसी तरह से बनानी है, बस थोड़ा सा आटा लेना है, इसे रोल करना है। बट मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाली हूँ घी, तो एक मोटा सा थोड़ा सा रोटी बेलनी है जिस तरह से मैं अंदर घी अप्लाई कर पाऊँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा चम्मच हम घी डालेंगे, इससे रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब चाहे तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चम्मच घी, वाइट घी वाला यूज़ किया है। जब घी अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सब तरफ एकदम अच्छे से घी अप्लाई करो, इससे जो रोटी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। देखिए जिस तरह से मैं उंगली की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ, बस इसी तरह से करना है। तो जो लेयर मैं पलटा रही हूँ उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा घी अप्लाई कर रही हूँ मैं, इससे जो है हमारी हर लेयर एकदम सॉफ्ट बनती है और सारी लेयर्स जो है खुली खुली सी एकदम अच्छी सी बनती है। तो अब सूखे आटे की मदद से हम नॉर्मल जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी तरफ से इसे बेल लेंगे। आप अगर पतली बेलना चाहते हो तो पतली भी बेल सकते हो, वो भी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। ऐसे नहीं कि मोटा बेलने की ज़रूरत है इसे। तो अब ये रोटी बेल चुकी है, इसे हम सेक लेंगे। तो तवा अच्छे से गर्म हो चुका है जिस पे मैंने डाली है रोटी। घी अप्लाई करने से पहले मैं एक बार रोटी को फ्लिप कर दूंगी और फिर इस पे घी अप्लाई करूंगी। तो जब मैं घी अप्लाई कर रही हूँ तो स्पून की हेल्प से मैं अच्छी तरह से सब तरफ स्प्रेड कर रही हूँ, इससे जो है रोटी के अंदर घी अच्छे से जाएगा और रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और जब इमीडिएटली खा रहे हो तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेवर आएगा। तो ये जो रोटी है गरम गरम खा रहे हो तो क्रिस्पी लगेगी, और अगर थोड़ा सा रुकोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसे चाहे वैसे आप इस पराठे को खा सकते हो। दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा पलटाना नहीं है, उससे जो रोटी है हमारी कड़क होती है। तो ये जो सुपर सॉफ्ट रोटी है बनकर एकदम रेडी है। तो सारे रोटियाँ मैंने इसी तरह से बना ली है। सेम तवे पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल जिस पर मैं बनाने वाली हूँ चटनी। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों दाना, आधा छोटा चम्मच। साथ ही इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर। तवे पर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एकदम फटाफट से ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता। साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च और लहसुन। लहसुन को मैंने बारीक कट लिया था और हरी मिर्च को थोड़े थोड़े से टुकड़ों में काट लिया था। इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ सूखी मेथी। उससे पहले मैं गैस की फ्लेम एकदम लो रखूँगी क्योंकि मेथी हमारी जलनी नहीं चाहिए, अगर जलेगी तो उसका कड़वा फ्लेवर छोड़ देगी वो सब्ज़ी में। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर। साथ ही इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और कवर कर कर पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जितनी देर में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हाई फ्लेम पे मैंने ढककर पकाया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हुए। अब इसे मैश कर रही हूँ मैं स्पून की हेल्प से। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली का पाउडर। तो मैंने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर मिक्सी में निकाल लिया था, बस 2 से 3 टेबलस्पून डालना है। इससे जो हमारी चटनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये एक प्रोटीन का भी सोर्स है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन भी बन जाता है। इसे बस 2 मिनट पकाना है और ये चटनी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम हमारी प्लेट सर्व करेंगे, जिसमें रखी है मैंने दाल, चटनी, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, प्लेन चावल, साथ ही पराठा। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करना, साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।